बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और यूपी में अब 2024 के लोकसभा चुनावों का रण सज चुका है। सारे दल मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं। अक्सर सियासत में कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। जो पार्टी यूपी में ज्यादा सीट लाने में सफल होती है उसकी केंद्र में सरकार बनाने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। यह बताएं कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने पहले ही साफ कर दिया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में अगर पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन करती है तो वो समाजवादी पार्टी के साथ ही होगा। तो विपक्षी एकता को धार देने पहुंच रहे नीतीश कुमार अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति अब तैयार की जा रही है। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की मोर्चाबंदी शुरू हो चुकी है और इसी कड़ी में नीतीश कुमार पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के पहुंचने वाले हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे और ये साफ पहले ही कर चुके हैं कि अगर लोकसभा चुनाव जो होता है उसमें गठबंधन की अगर बात आती है और उत्तर प्रदेश की बात आती है तो वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे और इसी के तहत आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर विपक्ष पूरी तैयारी कर रही है 2024 को लेकर, लगातार बैठकें चालू हैं। चाहे वो बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, जो विपक्ष है वो एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी के खिलाफ ये मोर्चा खोला जा रहा है और इसी के तहत आज नीतीश कुमार पहुंचेंगे अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए और एक नई रणनीति बनाई जाएगी। तो सभी पार्टियां विपक्ष की मोर्चा घेराबंदी करने में लगी है। विपक्ष एकजुट हो रहा है 2024 के लिए। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की मोर्चाबंदी देखी जा रही है और बैठकों का दौर हर जगह देखा जा रहा है और ऐसे में अब ये बैठक की मुलाकात काफी अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि क्या ये गठबंधन अब होगा, क्योंकि इस बारे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इशारा कर चुके हैं कि अगर हम लोकसभा चुनाव के लिए जाते हैं और गठबंधन की बात आती है उत्तर प्रदेश में तो वो समाजवादी पार्टी के साथ कर सकते हैं। नीतीश सीधे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, क्या जानकारी मिल रही है, कब पहुंचेंगे यहाँ पर नीतीश कुमार और मुलाकात का कुछ वक्त के बारे में पता चल पाया है? देखिए, अगर बात करें तो 5 बजे के बाद का समय बताया जा रहा है मुलाकात का और नीतीश कुमार आज अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के साथ ही दोनों एक साथ होकर जो आगे की रणनीति है उस पर चर्चा भी कर सकते हैं, ऐसी सूचना है। आपको बताएं कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है वो समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं साख का सवाल है। साख का सवाल इसलिए कि लगातार जो सब विपक्षी दल है, अगर बात करें समाजवादी पार्टी का जो विरोधी गुट है यानी भाजपा, अपनी स्थिति को मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसी स्थिति में इस बार का जो लोकसभा चुनाव होगा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए हर हाल में जीतना उसके लिए जरूरी है। लेकिन इसके लिए रणनीति कौन सी, तो रणनीति जो तीसरा मोर्चा जो मोर्चा तैयार हो रहा है उसको लेकर आज चर्चा होनी है लखनऊ में। और आज के दिन ये अहम खबर इसलिए है कि नीतीश कुमार का आना और आने के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चर्चा करना और फिर यहाँ के बाद बंगाल जाना यानी ममता बनर्जी से मुलाकात करना, तो मोर्चा कितना मजबूत हो और मोर्चे में अगर बात करें तो कौन कौन से दल और नेताओं को विशेष तरजीह दी जाए, इन सारे विषयों पर आज चर्चा होने वाली है। 5 बजे के बाद का समय बताया जा रहा है। जी बिल्कुल नीतीश, आप बने रहे हमारे साथ। एक तीसरे मोर्चे की पूरी तैयारी की जा रही है जिसके तहत नीतीश कुमार लगभग 5 बजे करीब बताया जा रहा है पहुंचेंगे और अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे।